नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। इन जैसे कि आप नाम देख रहे हैं लड़कियां, आपको शायद लग रहा होगा कि मतलब हो सकता है एक इजी गोइंग मूवी है लड़कियां, क्या है? आप दिन भर ही लड़कियां लड़कियां सुनते होंगे, लेकिन बहुत ही पेचीदा टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ म्यूज़िक में भी बहुत काम है इसमें, क्योंकि इसमें हम लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उनका एक स्टोरी है जिसमें कि उनका पास्ट भी जुड़ा हुआ है, उनका फ्यूचर भी जुड़ा हुआ है, और वो क्या करने वाले वो भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक ही थीम पे जा सकते हैं। इसमें इमोशंस हैं, इसमें आपका एक सैड पार्ट आएगा, एक हैप्पी पार्ट आएगा, एक थ्रिलिंग पार्ट आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह म्यूज़िक के सहारे हम उसको पूरा आपके सामने पेश कर सकें। ये लड़कियां हैं तो रोमांस भी होगा, रोमांस है तो गीत मजबूत होगा, तो जरूर कितने गीत और किस किस मूड के गीत सुनने मिलेंगे। देखिए, गीत भी इसमें हमने अभी तक जो सोच रखा है, 4 से 5 गाने हमने सोच रखा है, जो कि स्क्रिप्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। और उस हिसाब से अभी तक एक जैसे आजकल के जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है, हनी सिंह को हमने सोच रखा है। हनी सिंह को हम चाहते हैं कि उनसे गवाना, कनिका कपूर उनसे चाहते हैं गवाना। एक हमारे पास सूफी ट्रैक है जो कि ऑप्शंस में है, अरिजीत सिंह भी है और राहत फ़तेह अली खान साहब भी है, क्योंकि उनकी आवाज़ के पीछे तो सारी दुनिया दीवानी है। बारे में बताइए सबसे पहले अपने बारे में। मेरा एक प्रोडक्शन हाउस है एनएफएक्स शॉर्ट मीडिया, काफ़ी टाइम से सोच रहा था मूवी बनाई जाए, तो अब बना रहे हैं, अब शुरुआत कर रहे हैं। और मूवी का नाम रखा है लड़कियां। लड़कियां पल में तोला पल में माशा, कब नए नए रंग बदलती है, नए नए रूप बदलती है, उस पे ही ये मूवी स्टार्ट की। तो क्या दिखाएं? जैसे जैसे अभी आपने कहा कि पल पल में रूप बदलती है, तो हाँ। कहीं कुछ इंसिडेंट आपके साथ सर उसमें मूवी में कई ऐसी घटनाएं भी है जो निजी जिंदगी से जोड़ूंगा। मैं कोशिश की है मैंने सुनील को बताने की कि वो करे कुछ ऐसा, मैंने उसको बताया कुछ घटनाएं कि अपने जीवन की कि वो बता सके उसको। तो नेगेटिविटी सिर्फ शोकेस किया गया? सर नेगेटिविटी नहीं है इसमें, क्या है कि अबला नारी नहीं है, मदर इंडिया टाइप कोई कैरेक्टर नहीं है। स्मार्ट लेडी, इसमें स्मार्ट लेडी भी है, और वो 2 मिनट में किसी को दीवाना बना देती है, 2 मिनट में किसी को वापस से वो कर लेती है, बेगाना बना देती है, जैसा भी है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कितना इंफ्लुएंस है इस एक्साइटेड? मुझे जब पहली बार निमेश भाई ने, इनसे 5 साल से जुड़ा हूँ मैं, ठीक है, इन्होंने जब पैसा एक कॉन्सेप्ट लेके आया उन्होंने, ठीक है, स्क्रिप्ट सुनने के बाद में मैंने बोला गो हेड भाई, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, आज तक आप देखोगे आप। सर दोनों मिलकर प्रोड्यूस कर जी? हाँ जी सर। जो है इस टैग के साथ काफी मतलब गंभीर जो है टैग है इसका। सर गंभीर नहीं है ये वर्ड, गंभीर लग रहा है आपको, बस है, यही तो धमाल मचाने वाला है ये। सर ना गंभीर है ना वल्गर है, ये कॉमेडी भी नहीं है, ये थोड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक भी है, थ्रिलर हाँ। सेंसिटिव है, काफी जो है सबको अपनी तरफ खींचती है, हाँ। जानने के लिए जो है सबकी उत्सुकता बढ़ाती है, हाँ। इसको लेकर आप कितना एक्साइटेड है, क्या सोचते हैं? सर पूरा एक्साइटेड हूँ मैं, तो चाहता हूँ की जो लड़कियाँ एक्चुअल में होती है वो सबको पता लगे। ऐसा नहीं नेगेटिव है, पॉजिटिव भी होती है, लेकिन इस मूवी में हम कुछ भोली भाली लड़कियों के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करने वाले, नहीं करेंगे। इस मूवी में हम तेज तर्राट लड़कियों के बारे में डिस्कशन करने वाले जो आज की दुनिया में चल रही है वैसा। और ऐसा नहीं है कि आप किसी कोई लड़की तेज तर्राट है या छोटे कपड़े पहनती हो तो आप उसको समझोगे कि ये वल्गर है या गलत है, वैसा नहीं है, वो भी अच्छी हो सकती है और अच्छी भी होती है। शूटिंग का प्लान कब से और कहाँ है? सर शूटिंग होगी इसके जुलाई से, पूरा सेट होगा राजस्थान में। पूजा है और लड़कियां नाम से आप फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं, जिसका आज
माँ सरस्वती के पूजा अर्चना करके आप शुरुआत कर रहे हैं, आज अनाउंसमेंट और मुहूर्त है, क्या कहना चाहेंगे? पहले बोलना चाहूँगा कि आप पूछ लिए ठीक है कि सरस्वती पूजा हम सोच के नहीं किए थे, ऐसे हम पहले सोच रहे थे कि लड़कियाँ मूवी बनाएंगे बोल के, पर वो कोइंसिडेंट है और अच्छा भी है कि सरस्वती पूजा के दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अच्छा है इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं जी। तो क्या इसमें खूबियाँ होंगी, किस तरह से दर्शकों को लुभाएंगे, आपकी लड़कियाँ किस तरह लुभाने वाली हैं? हाँ, कैसे लुभाने वाले हैं, मेन चीज़ ये क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बना रहे हैं ना लड़कियाँ, मतलब इंडिया के लिए कॉन्सेप्ट नया है, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मतलब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई फिल्म नहीं बन चुका है, फिल्म बना है पर इंडिया में ये कॉन्सेप्ट के ऊपर पहले किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि इंडिया में क्या लोग सोचते हैं कि लड़कियाँ के ऊपर जो हम सोचते हैं ना, कोई लड़की किसी बहन की माँ, तो उसके तरफ हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर इस फिल्म में क्या है ना कि उनका जो सेंसिटिविटी जो होता है ना लड़कियाँ की, कोई बोल देता है कि दुर्गा माँ है लड़की, तो कोई बोलते हैं कि एक लड़की है, तो लड़की की मतलब वीकनेस है ये है कि लड़की सुंदर है, बहुत सारे बोलते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं ना जिसमें उनका वीकनेस जो है ना वो वाला पार्ट को हम टच नहीं कर रहे हैं, हम क्या करें लड़की के अंदर मतलब क्या कितना वो ब्रेव हो सकते हैं, वो कितना मतलब कितना हद तक जा सकते हैं अपना गोल को अचीव करने के लिए, वो वाला जो एक्सपेक्ट है ना उसको हम ज़्यादा मतलब टच कर रहे हैं कि लड़कियां एक जैसे अभी चल रहा है कि फेमिनिस्ट के ऊपर ये सब चल रहा है ना, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये उसको टच करेगा कि लड़कियां वीक नहीं है, वो स्ट्रांग है। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।